गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे आप लोग? चलिए अच्छे। तो आज हम लोग बेटा यूनिट एंड मेजरमेंट जो पहले चैप्टर्स है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? यूनिट एंड मेजरमेंट। तो उसके पहले यूनिट और मेजरमेंट डिस्कस करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बेटा? देखिए, फिजिकल क्वांटिटी मीन्स द क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल। जिस चीज को हम गिन सकते हैं, जो गिन सकते हैं, उसी को हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी, है ना? उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, इस फिजिकल क्वांटिटी को गिनने के लिए जो यूनिट होता है, यूनिट को क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? यूनिट क्या है? यूनिट एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है जो यूज किया जाता है किसके लिए? फिजिकल क्वांटिटी को गिनने के लिए। स्टैंडर्ड रेफरेंस विच यूज टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, जो स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है उसको हम काय के लिए यूज करते हैं? टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मास गिनना है तो केजी में हम गिनते हैं, और यूनिट को डिसाइड करने के लिए एक सिस्टम था, एक कमेटी था, उन्होंने बताया है ना, उतना मैं डिटेल्स में जाऊंगा। चलिए, तो ये यूनिट होता है दो टाइप का होता है, एक फंडामेंटल यूनिट और दूसरा होता है डेरिवेटिव। अब फंडामेंटल यूनिट को किसको बोलेंगे बेटा? फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट है दूसरे यूनिट के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, ठीक है, जो दूसरे यूनिट के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। तो ऐसा सेवन फंडामेंटल यूनिट होता है। कितना होता है? सेवन फंडामेंटल यूनिट। कौन कौन सा होता है फंडामेंटल यूनिट? केजी, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडल एंड मोल, ये फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल क्वांटिटी कितना होता है? सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब कौन कौन सा सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी है? देखिए, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, इंटेंसिटी, ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये होगा सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी। अब दो सप्लीमेंट्री है, एक होता है प्लेन एंगल के, दूसरा होता है सॉलिड एंगल के लिए। प्लेन एंगल को हम रेडियन में गिनते हैं और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में गिनते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए ये सेवन क्वांटिटी में पूरा आपका फिजिक्स आ गया। देखिए, जैसे पहले ये तीन क्वांटिटी जो है मास, लेंथ, टाइम, ये मैकेनिक्स हो गए। किसका हो गया? ये मैकेनिक्स पूरा आ गया, पूरे मैकेनिक्स इसमें आ गए, है ना। अब देखिए इसमें जो टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स आ गए। क्या गया इसमें? थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। और करंट, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, ये सब स्टडी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये होगा आपके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। चलिए, ये हो गया करंट, ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये आ गया। ये हो गया आपका केमिस्ट्री, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में क्या आ गया आपका? केमिस्ट्री। ये लाइट का पूरे चैप्टर्स में आ गए, लाइट के पूरे डायमेंशन में आ गए, और केमिस्ट्री का पूरा ही आ गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटी को डिवाइड किया गया, है ना। तो हमको आज देखना है कि डायमेंशन एनालिसिस, हमको क्या देखना है बेटा? डायमेंशन एनालिसिस। उससे पहले आपको बता देता हूं, तो भाई मास आएगा, मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे एम से, लेंथ आएगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे एल से, और टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे टी से। टेम्परेचर आएगा तो केल्विन, के से डिनोट करेंगे। करंट आएगा तो आई से डिनोट करूंगा, एम्पीयर से डिनोट होता है। इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी आएगा तो सीडी से डिनोट करेंगे, कैंडिला। और अमाउंट का सब्सटेंस आए तो मोल से। तो हम लोगों को जनरली मैकेनिक्स और कुछ पोर्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ जाते हैं, और मैं और कुछ पोर्शन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का जाते हैं हम डायमेंशन एनालिसिस निकाल के। तो चलिए हम लोग डायमेंशन एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं, है ना। चलो ओके, चलिए। तो डायमेंशन एनालिसिस कैसे अपन उसके ऊपर क्वेश्चन होता है, डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर नेट या जेडब्ल्यू में क्वेश्चन होता है, तो उसके हम देखेंगे डायमेंशन एनालिसिस की तरफ। ओके चलिए, तो डायमेंशन एनालिसिस इसमें क्या होता है कि हम इसको डायमेंशन निकालेंगे, हर एक क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल। तो सर शुरुआत करता हूं मैं सबसे पहले वेलोसिटी से। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बेटा? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मीटर। टाइम क्या होता है? सेकेंड। इसलिए क्या होगा? मीटर इंटू सेकेंड रेस्टोर माइनस वन। इसका डायमेंशनल इक्वेशन क्या बनेगा? देखिए, डायमेंशनल इक्वेशन एल एन टी, हमने बताया था लेंथ के लिए मीटर, मीटर यानी कितना है आपके? वन। मास है क्या आपके? नहीं, तो पावर जीरो वन हो गए। टाइम कितना है? माइनस वन। तो ऊपर में जो ये दिया है इसका डायमेंशन है 101 इनकेस ऑफ लेंथ, मास, टाइम के 101 क्या हो गया? डायमेंशन। और डायमेंशन इक्वेशन क्या हो गई? एल रेस टू पावर वन, एम रेस टू पावर जीरो, टी रेस टू पावर माइनस वन, क्या होगा? डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशन में अभी और बता रहा हूं, देखिए डायमेंशन क्या होगा? 101 माइनस वन, ये क्या होगा इसका डायमेंशन।
और एल एम एम एल एस टू पावर वन एम एस टू पावर जीरो टी एस टू वन माइनस वन क्या है डायमेंशनल इक्वेशन है ये क्या है आपका डायमेंशनल इक्वेशन है ना ओके चलिए अब मैं इसका निकाल जब एक्सेलरेशन निकालता बेटा एक्सेलरेशन आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होगा एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम शॉर्ट में लिख लो वेलोसिटी अपॉन टाइम जो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो क्या होगा मीटर एस एस टू पर माइनस टू एस एस टू पर माइनस ऊपर चलेगा तो ये पावर ऊपर चले जाएगा तो माइनस में आएगा तो क्या होगा डायमेंशनल इक्वेशन एल एम टी अब बताइए एल एल एन लेंथ मैंने मीटर मीटर कितना है वन एम एन मास मास का क्या होता है केजी है क्या यहाँ पे नहीं तो उसको क्या लिखोगे आप जीरो ओके अब देखिए टाइम टाइम यूनिट क्या है सेकंड कितना यहाँ पे माइनस टू ठीक है हो गया आपका डायमेंशनल इक्वेशन समझ में आ रहा है ना ये आपका डायमेंशनल इक्वेशन ओके चलिए है ना एक्सेलरेशन लिख दिया अब मैं लिखा रहा हूं आपको वॉल्यूम 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 मैंने क्या होता है बेटा वॉल्यूम मैंने क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम मैंने मीटर यूनिट क्या होता है ठीक है एल क्यूब जो भी होगा तो एल क्यूब उसके यूनिट होता है मीटर क्यूब उसका डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा L M P चलिए क्या होना चाहिए 300 ये वॉल्यूम का ये हो गया चलिए डेंसिटी मैं लिखूंगा आपको डेंसिटी है ना डेंसिटी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम तो मास का यूनिट होता है केजी और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब तक क्या हो जाएगा केजी मीटर ऊपर गया मीटर क्या गया ऊपर गया तो क्या हमें एम डैश टू पावर माइनस थ्री तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा बेटा L M T चलिए बताइए मुझे L length मीटर कितना है यहाँ पे माइनस थ्री मास कितना है वन टाइम है क्या सेकंड है यहाँ पे नहीं है तो क्या हो जाएगा ये जीरो समझ आ रहा है आपको ठीक है ओके चार्ज मैं भी लेता हूँ चार्ज 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 का क्या होगा बेटा चार्ज हमको ये पता है बट हमको ये पता है ना करंट करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम इसलिए चार्ज क्या होगा बेटा चार्ज इक्वल टू क्या होना चाहिए देखो हम लिख सकते हैं यहाँ पे चार्ज इक्वल टू आप क्या लिखोगे करंट इंटू टाइम अब इसका करंट का होता है एम्पियर टाइम का होता है सेकेंड डायमेंशन इक्वेशन क्या होना चाहिए एल एम टी अब एम्पियर है करंट है करंट को हम कैसे प्रिंट करते थे वहां पे आय से डोनेट किया था इसलिए देखिए लेंथ मीटर है क्या बेटा इसमें मीटर है नहीं है ना चलो तो एल एस ऊपर का होगा जीरो है एल एस ऊपर का जीरो मास मास है केजी केजी है क्या इसमें नहीं ये भी जीरो का टाइम टाइम पीरियड क्या होता है सेकंड सेकंड है वन है एक है और आय ने करंट करंट कितना है एम्पियर वन ठीक है ये होगा डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ इसका ये छोटे छोटे अब मैं थोड़ा सा इससे अलग लेता हूं है ना यदि मैं आपको पूछ लिया बेटा आपको यदि मैं पूछता हूँ कि बेटा डायमेंशन निकालो वर्क डन के डायमेंशन किसका निकालना है वर्क डन आपको पता है वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मुझे वर्क डन का डायमेंशन निकालना वर्क डन डायमेंशन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्रॉस वेक्टर डॉट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है स्केलर है ना ओके चलिए तो वर्क डन देखिए वर्क डन का फोर्स है ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इक्वल टू क्या होता है बेटा फोर्स इक्वल टू आप लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन और फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है ना फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू क्या होगा आपका ये डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट में लिख लो यहां पे डिस्प्लेसमेंट है ना तो बताइए मास का यूनिट क्या होता है केजी एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट का मीटर मास का केजी एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट का मीटर आपका क्या हो जाएगा केजी मीटर इनटू मीटर मीटर स्क्वायर और सेकंड नीचे में ऊपर चलेगा सेकंड रेस्ट पर माइनस टू डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगा केजी डायमेंशनल इक्वेशन बताइए एम एल टी बताइए मुझे एम एन मास है ना मास कितना है यहाँ पे मास के होता है केजी कितना है वन एल एन लेंथ क्या होता है मीटर मीटर कितना है यहाँ पे टू चलिए और टीयर टाइम टाइम पर कितना है यहाँ पे सेकंड सेकंड पर कितना है माइनस टू ये किसका डायमेंशन होगा वर्क डन का ठीक है चलिए प्रेशर का डायमेंशन बताइए मुझे आपको मैंने पूछ लिया कि प्रेशर का डायमेंशन क्या होना चाहिए प्रेशर प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन
एरिया, ठीक है। तो प्रेशर का डायमेंशन देखते, प्रेशर, प्रेशर हल्लू ने बोल रहा हूं, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स यानी क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, अपॉन एरिया ने क्या होता है, मीटर, मीटर स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला करते मीटर स्क्वायर, मास का रूट होता है केजी, एरिया लिख देता हूं बेटा, क्या कंफ्यूज हो जाएगा, एरिया मास के रूट होता है केजी इनटू एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपॉन एरिया का रूट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ओके, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं केजी मीटर, अरे ऊपर गया तो एस रेस टू पावर माइनस टू, नीचे में क्या बचा बेटा, मीटर स्क्वायर, यहाँ के एक मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर गेट कैंसिल, बचा कितना आपके नीचे में, कितना मीटर बचा, एक, तो ऊपर चले जाएगा, नीचे में आप एक बचा वन वाला तो ऊपर चले जाएगा, एम रेस टू पावर माइनस वन, नीचे वन था ऊपर गया तो माइनस वन, और एस रेस टू पावर माइनस टू। तो डायमेंशनल इक्वेशन बताइए मुझे, एल एम टी, एल लेंथ, लेंथ कितना है यहाँ पे माइनस वन, ठीक है, मास कितना है वन, और टी कितना है माइनस टू, यानी कि डायमेंशन कितना हो गया माइनस वन, वन माइनस टू, और डायमेंशनल इक्वेशन एल रेस टू पावर माइनस वन, एम रेस टू पावर वन, और टी रेस टू पावर माइनस टू, ये किसका हो गया प्रेशर का, है ना, प्रेशर का डायमेंशन हो गया। ओके चलिए, अब मैं दूसरा बोल रहा हूँ, प्रेशर बोल दिया, फोर्स बोल दिया, है ना, ये तो आपको कैसा आपका शुरू से, आप जैसे आप अभी इलेवेंथ में है, आप ट्वेल्थ में जाएंगे तो आपको और बहुत सारा, जैसे आपको ये फॉर्मूला आ जाएगा आपको, परमिटिविटी, परमेबिलिटी, ये सब चीज का आपको, सरफेस टेंशन, है ना, पोटेंशियल, आप देखिए पोटेंशियल का आपको मैं बता रहा हूँ, पोटेंशियल का डायमेंशन निकलता है, तो पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला तो वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वर्क डन आप लिख लेंगे यहाँ पे, वर्क डन के जगह क्या लिखेंगे, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज, ने क्या लिखेंगे, करेंट इनटू टाइम, है कि नहीं, अब फोर्स को क्या लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब करेंट का एम्पियर और टाइम का सेकंड, यानी क्या होगा केजी, मास का होता है केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर अपॉन एम्पियर सेकंड, तो क्या हो जाएगा बताइए, बताइए मुझे, केजी मीटर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और सेकंड रेस टू ऊपर चले जाएगा तो सेकंड रेस टू बार माइनस टू अपॉन ए इंटू एस, है ना, अब इसको भी ऊपर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा के जी मीटर रेस टू पावर टू, एस रेस टू पावर माइनस टू, एस ऊपर चले जाएगा, एस रेस टू पावर माइनस वन, ए भी ऊपर चले जाएगा, ए रेस टू पावर माइनस वन, तो क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे बेटा देखिए, के जी मीटर स्क्वायर, एस रेस टू पावर माइनस थ्री, ए रेस टू पावर माइनस वन। अब यहाँ पे डायमेंशनल इक्वेशन में आप देखते हैं एल एम टी आई, बताइए, ठीक है, अब बताइए मुझे एल एम टी आई, लेंथ मीटर कितना है टू, मास केजी कितना है वन, टाइम कितना है माइनस थ्री, और करंट कितना है माइनस वन, ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल का डायमेंशनल इक्वेशन। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलास है, बहुत सारे, नहीं बोलोगे तो आपने फिजिकल क्वांटिटी आप देखोगे, नहीं बोलोगे तो 250 से ऊपर है, तो इतने सारे फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन निकालते रहना चाहिए, है ना। अब ये इतना बेसिक, ये ठीक था यहाँ तक, मुझे लगता है कि यहाँ तक ठीक था, और भी आपको जरूरत है तो आप मुझे, मेरे व्हाट्सएप नंबर है वहां पे आप मुझे व्हाट्सएप करके आप क्वांटिटी भेजिए, ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, जो बच्चों में अभी कभी इसमें क्वेश्चन अगर भेज रहे थे, ये बच्चों का डिमांड था कि सर बोले हमारे को इसके इस टाइप का थोड़ा सा बेसिक डायमेंशन एनालिसिस बताइए, तो मुझे बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सएप किया है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो मेरे नंबर है 9420611661, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, जय सर फिजिक्स वाला, ठीक है, तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपको और भी जो भी प्रॉब्लम आता है आपको फिजिक्स में, नीट का, जेईई का, जो भी लेक्चर चाहिए आप बताइए, मैं आपको लेक्चर बना के पर्सनली आपको व्हाट्सएप में भेजूंगा या मैं मेरे यूट्यूब में बताऊंगा। ओके, थैंक यू बेटा।